सभी केला किसान भाइयों को नमस्कार, सुप्रभात। किसान भाइयों, आज हमें ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ध्यान देना है कि जिससे आज हमारे सारे केला उत्पादक भाई परेशान हैं, और इस विषय का नाम है, इस समस्या का नाम है कुकुम्बर मोज़ैक वायरस। कुकुम्बर मोज़ैक वायरस आज आप सब किसान भाई देख रहे हैं कि जलगांव का क्षेत्र हुआ, बरहानपुर का क्षेत्र हुआ या और सारे क्षेत्र हुए, बहुत जगह हम कुकुम्बर मोज़ैक वायरस यानी कि सीएमवी के चपेट में आए हैं। सीएमवी ये डिजीज़ क्या होता है, सीएमवी का मैनेजमेंट कैसा होता है, इसका निर्मूलन किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसकी कंट्रोल मेजर लेनी है, किस प्रकार से इस डिजीज को रोकना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमको ये चीज को समझना है कि ये डिजीज क्या है, ये बीमारी क्या है, ये कैसे आती है, ये कैसे फैलती है और कैसे इस बीमारी को संभाला जाता है। इन सारी चीजों को आज के इस वेबिनार में आप सारे किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा रखता हूँ कि हम आज कुछ अच्छी बात जरूर सीखेंगे। यहाँ आप देखिए, ये सीएमवी का हिस्ट्री है, ये सीएमवी का इतिहास है। आज के तारीख में हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक आशंका है, उनको ऐसे लगता है कि ये बीमारी आज ही आई है, उनको ऐसे लगता है कि ये बीमारी सिर्फ हमारे क्षेत्र में है, हमारे गांव में है, हमारे बगीचे में है। उनके मन में और बहुत सारी शंकाएं हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को ये भी लगता है कि जब से टिश्यू कल्चर का पौधा आया तभी से ये बीमारी आई, जब से टिश्यू कल्चर हम लगा रहे उसी से ये बीमारी आ रही। इस प्रकार की अनेक शंकाएं, अनेक डाउट आपके मन में हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस स्लाइड के ऊपर देखिए, यदि इस बीमारी का यदि हम पूरा इतिहास देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि ये बीमारी, ये सीएमवी वायरस सबसे पहले 1929 में ऑस्ट्रेलिया इस देश में पाया गया। उसके बाद में का इतिहास आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आज हमें सीएमवी नाम का पता चला है, हम सीएमवी से इसे जानते हैं, लेकिन इसके पहले सबसे पहले जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ये सीएमवी 1943 में आइडेंटिफाई किया गया। 1943 में ये डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे आया और उसके बाद में सीएमवी ये फैलते रहा। उस जमाने में हम सीएमवी को जानते नहीं थे, उस जमाने में हमें सीएमवी नाम मालूम नहीं था और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये लास्ट 25-30 साल में, 10-15 साल में ये बीमारी आई है। किसान भाइयों, बात ऐसी नहीं है। हम आगे देखेंगे कि हम सीएमवी को किस नाम से जानते थे, उसके आगे की बात आप देखेंगे। 1949 में ये बीमारी ने एक उग्र स्वरूप धारण किया, 1945 में ये बहुत बड़ा अटैक बन के ऊपर आई, 1974 में सीएमवी के कारण गुजरात राज्य में, सूरत में, कामरेज में, भरूच में, राजपिपड़ा में, इस क्षेत्र में करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। ऐसी इतिहास में आईसीआर के रिकॉर्ड में इस प्रकार की नोंद है। उसके आगे आप चलेंगे तो फिर से 1982 में इस डिसीज का प्रकोप जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आया और 1982 के दरमियान डॉक्टर सुमनवार, जो बड़े नामी वायरोलॉजिस्ट इस विषय के थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि 1982 में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में सीएमवी के कारण 70% का नुकसान हुआ। तो मेरे किसान भाइयों, आप मुझे ये बताइए, इसके बाद में 1999 में डॉक्टर सुमनवार भोपनार में आए, मध्य प्रदेश में आए और वहाँ पे विनायक कालू पाटिल इनके खेत में हम लोग गए और वहीं पे सीएमवी का प्रकोप हमने देखा। 2000 के दरमियान में डॉक्टर सेल्वराजन आए, डॉक्टर उमा मैम आई, डॉक्टर चुंडावत सर आए और हमने दापोरा में, चाप फोपनार में और शाहपुर में, इस क्षेत्र में, अंतुरली में, इस क्षेत्र में सीएमवी का
अवलोकन किया, सीएमवी के मैनेजमेंट का किसानों को बताया। कहने का मतलब यह है कि डिजीज बहुत पुराना है, डिजीज बहुत पुराना है, सिर्फ डिजीज को हम जानते नहीं थे, सिर्फ डिजीज का हमें पता नहीं था, नाम मालूम नहीं था। जब से जैन इरिगेशन केले की क्षेत्र में काम करने लगे, उसके बाद में आधुनिक तंत्रज्ञान आपको बताया, इस डिजीज का नाम आपको बताया, जब से नेशनल बनाना रिसर्च सेंटर ट्रीची में एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद में जो साइंटिफिक काम केले के खेती के अंदर शुरू हुआ, उसके बाद में बहुत सारी चीजें आपको समझने लगी। यहां आप देखिए कि ये एक वसंतराव महाजन साहब का इंटरव्यू आप देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो ये डिजीज था, इस डिजीज को हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी इसको हरने खोड़, मतलब पौधे हरने हुए, पौधे मुके हुए, इस नाम से जानते थे। लेकिन जब हम आधुनिकता में आए तो ये हरन्या मतलब सीएमवी है, इसका पता हमें चला और इसके बाद में हम सीएमवी को जानने लगे। इसीलिए यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताऊंगा कि महाजन साहब ने यह बताया कि करीबन ये 1955 से सीएमवी को जान रहे हैं, 1955 से सीएमई को जान रहे हैं। 19 उनके पिताजी उनको बोलते थे कि 1943 में एक आदेश भी आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम अपने यहाँ थी और उस जमाने में केले की खेती 2 साल नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का आदेश उस टाइम पे आया। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सीएमई हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन हम इसे साइंटिफिक नाम से जानने लगे हैं। सीएमवी पुराना है, लेकिन आप कहेंगे कि उस जमाने में सीएमवी के ऊपर इतना ध्यान क्यों नहीं था? उसका कारण यह है कि उस जमाने में, जब आज से 30 साल पहले हम केले की खेती करते थे, तो उस टाइम के जब ड्रिप इरिगेशन नहीं था, फर्टिगेशन नहीं था, टिश्यू कल्चर के पौधे नहीं थे, ग्रैंड 9 वैरायटी नहीं थी, हाईटेक मॉडल नहीं था, हाईटेक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं थे, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स नहीं थे, मल्चिंग नहीं था, रेसबेड नहीं था, ये सारा जो नया तंत्र ज्ञान है ये उस जमाने में उपलब्ध नहीं था। और ये उपलब्ध नहीं था इसके कारण हम केले की खेती से 60-65% पौधे का हार्वेस्टिंग होता था। जब 60-65% पौधे का हार्वेस्टिंग होता था, 100 क्विंटल का 1 एकड़ में माल निकलता था, यील्ड निकलता था। उस जमाने में जब 30-35, 35-40% जब केला हार्वेस्ट नहीं होता था, तो बचे हुए 30-35% के पौधे किस कारण से हार्वेस्ट नहीं हो रहे, इसका भी हमें ज्यादा लेना देना नहीं था, क्योंकि उसमें हरने पौधे थे, उसमें बंचिटाप के पौधे थे, उसमें मुंह के पौधे थे, उसमें इंसेक्ट से डैमेज पौधे थे, राइजोम विविल से डैमेज पौधे थे, तो इट वॉज ए मिक्स ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स। और इसी के कारण हम हरने जो प्लांट कहते हैं इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं था, या हम लोग इसके बारे में सीरियस नहीं थे। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से विनंती करूंगा कि सबसे पहले हमें इस बीमारी को समझ लेना है, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन करना है, और इसका आइडेंटिफिकेशन करके इस डिजीज को किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं ये देखना है। सबसे अहम भूमिका, सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में लेनी है, जब 2000 साल में इसने प्रकोप ज्यादा किया, जब 2010-12 में भी डिसीज बहुत आया, 2015 में भी डिसीज बहुत आया, और 2019 में भी डिसीज बहुत आया, लास्ट ईयर डिसीज का प्रमाण बहुत था। हमारे आगे आपको बताएंगे दापोरा के योगेश्वर भाई किस प्रकार से 20 साल से इस डिसीज के साथ झगड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, समझने की बात यह है कि यदि इस प्रकार से डिसीज का प्रकोप, फैलाव और इस प्रकार से उसका डैमेज यदि पौधों को हो रहा है, तो हमें 2-3 चीजें बहुत ही अच्छे से ध्यान में लेना जरूरी है। पहली बात, हम केले के किसान हैं, हम बहुत आधुनिक किसान हैं, केला हमारे आर्थिक उन्नति का साधन है, सामाजिक उन्नति का साधन है, तो इस फसल के बारे में हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। पहली बात आप ध्यान में लीजिए कि बना ये जो डिजीज होता है, जैसे कि हम वेदर फोरकास्ट करते हैं,
जैसे कि हम हवामान का, वातावरण का अंदाज लेते हैं, वैसे ही हमें डिजीज का अंदाज लेना जरूरी है। जब इस डिजीज के लिए अनुकूल वातावरण होता है तो किस समय डिजीज बढ़ने की संभावना है, इसका अंदाजा हमको लगाना आने से पहले जरूरी है। दूसरी बात आपको ध्यान में लेनी है कि हमें अर्ली डिटेक्शन की जरूरत है। बहुत बार हम देख रहे हैं, हम लास्ट एक हफ्ते से सारे किसान भाइयों के खेत में जा रहे हैं, हर गांव में जाके मीटिंग कर रहे हैं, किसानों का प्रबोधन कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि यदि हम इस डिजीज को अर्ली डिटेक्ट नहीं किए, इसको हमने अर्ली डायग्नोज नहीं किया, तो डिजीज का प्रकोप, सीएमए का प्रकोप बढ़ जाता है, और इसीलिए सीएमए को पहचानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, जब हमने सीएमए को आइडेंटिफाई कर दिया तो वो जो होस्ट उसके है, उस होस्ट को आइडेंटिफाई करना है, किस होस्ट के ऊपर ये रहता है, किस होस्ट से ये फैलता है, इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। होस्ट का इरेडिएशन करना जरूरी है, उसको निकाल के फेंकना जरूरी है, जो पौधे, जो तन वीड्स है, जो खरपतवार है, जो पुराने बगीचे के पौधे हैं, इसको देख के आइडेंटिफाई करके उसका इरेडिकेशन करना जरूरी होता है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन ऑफ डिजीज और कंट्रोल, इसके ऊपर अच्छी तरह से अनुमान करके, अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करके, निरीक्षण करके डिजीज को मैनेज करना जरूरी है। जमीन जिस जिस एरिया में हम घूम रहे हैं, सभी जगह आप देख रहे हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं क्या है, आगे हम आपको बताएंगे कि ये पौधा यहाँ आप देख रहे हैं और इसके नीचे पूरी पार्चुला का, मतलब चीला की जो सब्जी होती है, चील की जो चिवड़ की सब्जी होती है, ये इसके अंदर है। और तो फील्ड का सैनिटेशन होना जरूरी है, मतलब खेत हमारा स्वच्छ होना जरूरी है, उसके बाद में इन्फेक्टेड प्लांट को निकाल देना जरूरी है, और उसके बाद में केमिकल कंट्रोल करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिजीज के सिम्टम्स को समझ लें। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं कि जो डिजीज को अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते और इसके कारण हमारा नुकसान होता है। यहाँ ये पौधे आप देखिए, इस पौधों के ऊपर एक व्हाइट स्ट्रिप आपको दिख रही है। पहला वाला पौधा आप देखिए, इसके ऊपर ये व्हाइट स्ट्रिप आप देख रहे हैं। ये जो व्हाइट स्ट्रिप है, ये जो व्हाइट पैच है, पौधे ने कम से कम 6 पत्ते इसके ऊपर है और यहाँ इसको व्हाइट स्ट्रिप आ गई है। इसका मतलब ये अर्ली डायग्नोसिस डिसीज का है। ये स्ट्रिप आ गई, व्हाइट स्ट्रिप आई, डॉटेड स्ट्रिप आई, तो आपने समझ लेना चाहिए कि ये सीएमवी का इन्फेक्शन है। दूसरा पौधा आप देखिए, अभी यहाँ पैच बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, पैच बड़ा है, ये सीएमवी का सिम्टम है। ये जो व्हाइट और ब्राइट स्ट्रिक्स आ रही है, उस स्ट्रिक के ऊपर ये तीसरा पौधा आप देखिए, इसके ऊपर नेक्रोटिक डेवलपमेंट हुई है। जब ये व्हाइट स्ट्रिक है, ये बाद में येलो होती है, बाद में नेक्रोटिक होती है, उसके बाद में ऑयली दिखने लगती है। इसी सीएमवी के इन्फेक्टेड पौधों को आप पीछे से देखेंगे, पत्ते के नीचे वाले हिस्से से देखेंगे तो ऑयली स्पॉट जैसा, ऑयली पैच जैसा आपको नजर आएगा। जब आगे आप चलेंगे, जैसे जैसे आगे आप चलते जाएंगे, ये देखिए, इस पत्ते के ऊपर सीएमवी था, ये दूसरे पत्ते के ऊपर सीएमवी आया, और ये जो पोंगा आ रहा है, इसके ऊपर ये जो व्हाइट डॉट आपको दिख रहा है, ये सीएमवी की स्ट्रिप है। मतलब जब पौधा फ्लैग लीफ स्टेज में है, तो फ्लैग लीफ स्टेज में भी, मतलब जब सुरड़ी उसके ऊपर आ रही है, तो उसके ऊपर भी आप सीएमवी के सिम्टम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे की बात आप देखिए ये सीएमवी के सीवियर इन्फेक्शन है। जैसे जैसे सीएमवी बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए, ये तीनों पिक्चर आप यहाँ पे देखिए, अभी इस पत्ते से सीएमवी की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में ये पत्ता आया, ये पांचवा पत्ता आया। इसका मीनिंग क्या है, करीबन एक महीना पहले सीएमवी का इन्फेक्शन हो चुका था। यहाँ आप देखिए, ये अभी पत्ता काला होने लगा है, और यहाँ आप देखिए ये पत्ता काला होके सड़ रहा है। बहुत बार हमारे किसान भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार आपको मिसगाइड किया जाता है।
ये जो पत्ता आप देख रहे हैं, ये परफेक्ट सीएमवी के बाद में हार्ट रॉट जो होता है, ये सीएमवी का हार्ट रॉट है, ये इन्फेक्शियस क्लोरोसिस डिजीज का हार्ट रॉट है, ये इर्विनिया हेड रॉट नहीं है, ये पोंगासल नहीं है। और इसीलिए जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आपको किसी से कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसी हिसाब से आप सीएमवी को छोड़ के इर्विनिया का कंट्रोल करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए आपको ये सिम्टम को समझना जरूरी है कि सीएमवी हेड रॉट और इर्विनिया हेड रॉट दोनों के सिम्टम्स में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सीएमवी का जब हेड रॉट होता है, सीएमवी में जब पत्ता जलता है, तो ये सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में पत्ता जलता है, और इर्विनिया हेड रॉट में जब पत्ता सड़ता है, तो ऊपर से लेके नीचे कॉर्म तक, सकर्स तक पत्ता सड़ा हुआ रहता है। सीएमवी के पौधे को बीच में आप काटेंगे तो ये फ्रेश निकलेगा, इर्विनिया के पौधे को बीच में आप काटेंगे तो सेंटर में काला निकलेगा। सीएमवी के सकर्स को यदि आप काटते हैं तो एकदम व्हाइट इंटैक्ट निकलेगा, और जब इर्विनिया हेड रॉट के स्टेम को आप काटेंगे तो उसको क्राउन रॉटिंग आपको मिलेगा। इसी प्रकार से ये सीएम इर्विनिया हेड रॉट नहीं है, ये सीएमवी है, ये भी आपको समझना जरूरी है, ताकि आप डिजीज का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये जब पौधा बढ़ जाता है, ये देखिए, ये थोड़े बड़े वाले पत्ते हैं, पौधे हैं, और बड़े वाले पौधों पे किस प्रकार का सिम्टम्स, यहाँ आप देखिए, ये पूरा सीएमवी है, ये सीएमवी है, ये सारे सीएमवी है, ये हार्ट रॉट हो रहा है, ये सीएमवी है, ये सीएमवी के व्हाइट येलो नेक्रोटिक स्ट्रिक्स, व्हाइट येलो डॉटेड स्ट्रिप्स, इस प्रकार का डॉट डॉट वाली स्ट्रिप, ये इसका प्राइमरी सिम्टम है। यहाँ आप देखिए किस प्रकार से सीएमवी का प्रकोप आप देख रहे हैं। और यदि, मुझे विश्वास है कि जब आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, जब आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो इस वेबिनार के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपका डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको मदद होगी और आप डिजीज का अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे। तीसरी बात आप ध्यान में लीजिए, ये बहुत सारे पौधे आप देख रहे हैं, ये जो पुराने बगीचे हैं, परसों के दिन हम नायगांव से बेलसवाड़ी जा रहे थे और बीच में एक रास्ते के एक फील्ड में हम रुक गए और रुक के उस बगीचे में हम गए। नायगांव से बेलसवाड़ी जाते जाते लेफ्ट साइड में वो बगीचा है, अभी गार्डन हार्वेस्टिंग पे है, लेकिन बहुत सारे पौधे वहाँ पे सीएमवी इन्फेक्टेड है, जो लास्ट ईयर का इन्फेक्शन है उसको हम आज तक संभाल के रखे हैं। यहाँ आप देखिए, ये इतना बड़ा बगीचा है और इतने बड़े बगीचे में ये सीएमवी का पौधा है। दूसरा आप देखिए, ये इतना बड़ा पौधा है और इसका यहाँ पे सीएमवी को हम संभाल के रखे हैं। ये पौधा आप देखिए, ये हमारे केराडे विलेज का फोटोग्राफ्स है, करीबन 2004 की ये फोटो है, जो बगीचे बढ़िया है, हार्वेस्टिंग पे, फ्लावरिंग के स्टेज पे बगीचे है, लेकिन उसके अंदर ये सीएमवी के पौधे हैं। तो जो सीएमवी का पौधा बगीचे के अंदर है, उसको भी कभी आइडेंटिफिकेशन हमें करना जरूरी है। और बहुत बार ये देखिए, ये सीएमवी ग्रस्त पौधे का बंच है। बहुत बार हमारे किसान भाइयों के मन में एक शंका होती है, बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या सीएमवी का जो सीएमवी इन्फेक्टेड पौधा है यह अच्छा होगा, सीएमवी इन्फेक्टेड पौधा ये दुरुस्त होगा, सीएमवी इन्फेक्टेड पौधों के लिए कोई मेडिसिन है, कोई मेडिसिन डालने से उसके सिम्टम निकल जाएंगे, कोई मेडिसिन डालने से उसमें से वायरस निकल जाएगा, या कुछ मेडिसिन डालने से ये सीएमवी का पौधा दुरुस्त होकर अच्छा बंच देगा। इतने सारे सवाल आपके मन में है। किसान भाइयों, आप इस बात को ध्यान में रखिए, सीएमवी का पौधे के अंदर जो वायरस घुसा है, कुकुम्बर मोजैक वायरस घुसा है, उस वायरस को आप निकाल नहीं सकते, वो पौधा वायरस फ्री हो नहीं सकता। उस पौधे को आपने रखे खेत में, उसको संभालते रहे, तो आप सीएमवी को संभाल रहे, ये आपको ध्यान में लेना है।
तीसरी बात आपको ध्यान में लेनी है कि सीएमवी का जो पौधा है इसको आपने नहीं निकाला, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे किसान भाइयों को ये लगता है कि हमने ऐसा ऐसा किया, आपको कोई लोग मिसगाइड करते हैं, आप कोई मेडिसिन डालते हैं और पौधा जब वातावरण बदलता है तो पौधा बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ता है सीएमवी का पौधा बढ़ता है, आप अच्छा फर्टिगेशन कर रहे सीएमवी को रेजिस्ट करके पौधा बढ़ता है। लेकिन आखिरी में ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, हमारे शेमड़दा में हमारा बहुत अच्छा किसान है पवन पाटिल, तो पवन राजे ने हमें बताया कि सर हम 2000 पौधे ऐसे ही रखे, प्रायोगिक तत्व पे रखे, 2019 में सीएमवी आया, 2020 तक पौधों को रखे रखे संभाल के रखे, उन पौधों को इस प्रकार के बंचेस आए। और इसीलिए हमें सीएमवी को समझ लेना है कि सीएमवी किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से इसका प्रकोप बढ़ते रहता है और किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात हम आपको बताएंगे, ये लास्ट ईयर का पिक्चर आप देखिए, ये लास्ट ईयर की न्यूज आप देखिए, केड़ीचा पहानी साठी शास्त्रज्ञ रावेर में, रावेर तालुका में आके एनआरसी बनाना के वायरोलॉजिस्ट है डॉक्टर आर सेल्वराजन। डॉक्टर सेल्वराजन साहब लास्ट ईयर 6 मार्च को रावेर में आए, जलगांव में आए, पूरे रावेर में, मुक्ताई नगर में, बरहानपुर में हम घूमे और देखिए जिस दिन रावेर के वागोदा विलेज में, यहाँ आपको बताया दिखा रहे हैं कि वागोदा विलेज में बहुत सारे विलेजेस में गए, कुंभारखेड़ा गए, चिनावल गए, नावी गए, वागोदा गए, तो वागोदा विलेज में ये 6 मार्च का पिक्चर आप देख रहे हैं, 6 मार्च को भी वहाँ पे बहुत सारे बगीचे के अंदर सीएमवी वायरस था। ये आप देखिए, ये पौधा आप देख रहे हैं, ये 7 मार्च की न्यूज है और 6 मार्च की ये विजिट है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस प्रकार से सीएमवी के पौधे को नहीं समझेंगे तो इसके ट्रांसमिशन को हम नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि सीएमवी कहाँ संभाला जा रहा है, सीएमवी का प्रकोप क्यों बढ़ रहा है, कौन सीएमवी को संभाल रहा है और सीएमवी को कौन ट्रांसमिट कर रहा है। सबसे पहली बात आप ध्यान में लीजिए कि आज तक हुए संशोधन में सीएमवी पानी से नहीं फैलता है, आज तक हुए संशोधन में सीएमवी हवा से नहीं फैलता है, सीएमवी फैलता है उसको फैलाने के लिए वेक्टर की जरूरत होती है, उसको फैलाने के लिए इन्फेक्टेड सकर्स की जरूरत होती है, इन्फेक्टेड कंद की जरूरत होती है। सीएमवी फैलने के लिए यदि वायरस इंडेक्सिंग पौधा आप नहीं यूज कर सकते तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें ये समझना है कि इसको फैलाने वाले हमारे पास कितने कीट है, कितने कीटक है। भाई क्यों सीएमवी बार बार जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, बरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में और बड़वानी के थोड़े बहुत क्षेत्र में, जामनेर तालुका में, मुक्ताई नगर, रावेर, बरहानपुर इस क्षेत्र में क्यों सीएमवी तेजी से बढ़ता है, तो इसको हमें समझना है। वो तेजी से इसलिए बढ़ता है कि आप देखिए, आप तो जैन इरिगेशन का वायरस इंडेक्स पौधा लगा रहे फिर भी ये आप देखिए एफिस गॉसिपी जो है, जो कपास के ऊपर आने वाला मावा है और चवली के ऊपर आने वाला मावा है, मेज मक्के के ऊपर आने वाला मावा है, थ्रिप्स है और व्हाइट फ्लाई है, जासीड है, मतलब जो इंसेक्ट जूस चूसती है और जूस चूस के दूसरे पौधे के ऊपर जाके बैठती है, तो उससे ये सैप जो इंसेक्ट जो होते हैं इसके माध्यम से डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। आपने रोगग्रस्त पौधा जो है उसके बच्चे, उसके पील आपने दराती से काटे और उसी दराती से अच्छे पौधे के पील आपने काटे तो डिजीज फैलता है, मैकेनिकली इस प्रकार से फैलता है। और इसीलिए हमें इस प्रकार के जो इस डिसीज को फैलाने वाले जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को, इसके ऊपर बहुत अच्छा संशोधन हुआ है लास्ट 50 साल में और इस सीएमवी वायरस को फैलाने के लिए करीबन 60 ये है क्या बोलते एफिड्स है कि 60 प्रकार के जो एफिड्स है, 60 प्रकार के एफिड्स इस डिसीज को फैलाते हैं।
और इसीलिए आपको इस चीज को समझना है कि डिजीज का ट्रांसमिशन यदि हम नहीं समझेंगे तो हम डिजीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमें किस प्रकार से सीएमवी के ट्रांसमिशन को रुकाना है, हम आपको कुछ क्रॉप्स बताएंगे। जिस क्रॉप के ऊपर आप देखिए, मक्के के ऊपर बहुत सारा मावा होता है, चौड़ी के ऊपर मावा होता है, मूंग के ऊपर मावा होता है, उड़ीद के ऊपर मावा होता है, कपास के ऊपर मावा होता है। ये इसके इस होस्ट इस डिजीज के ट्रांसमिट करने वाले इंसेक्ट को संभालने वाले फसलें हैं। दूसरी बात हम आपको बताएंगे, आगे का पिक्चर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मावा तरबूज के ऊपर है, खरबूज के ऊपर है। मार्च महीने में हम गए, किस प्रकार से मावा बनाना के ऊपर है, बनाना के बॉर्डर के ऊपर करेले लगे हैं, जंगली करेले हैं, जंगली वाल है, इसके ऊपर किस प्रकार से वहां पे मावा मौजूद है, किस प्रकार से सीएमवी के वेक्टर मौजूद है। और इसी को यदि आप देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि इसको फैलाने वाले इतने सारे इंसेक्ट हमारे नेचर में है और इसके कारण सीएमवी का फैलाव जोर से होता है। तीसरी बात आपको ध्यान में लेनी है कि इसको ये देखिए, ये मावा आप देखिए, ये कपास आप देखिए, ये बनाना के ऊपर आप मावा देखिए, और यहाँ पे आप आइए, ये एफिड्स आप देखिए, ये क्या है, राइट साइड में केना है, बड़े पत्तों वाला केना है, तो इधर वाले साइड में कुकुरबिट्स है। तो ये जो होते हैं, हम समर में तरबूज लगाते हैं, खरबूज लगाते हैं, जिस तरबूज खरबूज के ऊपर मावा आता है, व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स आते हैं, जासीड आते हैं, और हमें लगता है हमारा खेत इंसेक्ट फ्री है। ये पौधा आप देखिए, ये हमारे दशनूर के हमारे किसान हैं, उनका ये पौधा है, प्रभव प्रणव शायद उनका नाम है, उनका ये उन्होंने अपने खेत में इस प्रकार से स्टिकी ट्रैप्स लगाए हैं। क्लीन फार्म है, आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे वहां पे आपको तुड़तुड़े है, मावा है, थ्रिप्स है, सब आपको दिख रहे हैं। तो ये सारे जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को हमें समझना है, और दूसरी बात हमें इसके होस्ट को समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बात है कि यदि हमारे केला किसान भाई सीएमयू को संभालने वाले होस्ट को हम नहीं समझते हैं तो हम सीएमयू को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको संभालने वाले जो होस्ट है ये सालों साल अपने खेत में है, सालों साल खेत के बॉर्डर पे है, सालों साल हमारे बाउंड्री के ऊपर है, कोई नाला जा रहा उसके ऊपर है, और जैसे ही बारिश होती है इसका फैलाव होता है, ये ऊपर आता है और इसको संभालता है। ये पिक्चर आप देखिए, ये क्या है, लंबे पत्ते वाला केना है, और दूसरा आप देखिए तो मोटे पत्ते वाला केना है, मतलब ये इसका स्ट्रांग सोर्स है। आपके खेत में जाइए और ये जो दोनों प्रकार के केने हैं आपके कितने बॉर्डर पे है आप इसको देखिए, हर किसान के खेत के बॉर्डर पे है। हम दापोरा में गए, योगेश भाई थे, नीरज भाई थे, संजय भाई थे, इनके साथ हम दापोरा का शिवार घूमे, बरानपुर डिस्ट्रिक्ट का दापोरा, सब जगह ये वीड्स आपको नजर आएंगे। ये आप देखिए, हमारे किसान भाई केले में से जो काकड़ी के वेल है उसको निकाल रहे हैं, हमारे दूसरे किसान भाई है मोती भाई खिरडी के, जिनके बॉर्डर पे चवली लगी थी, और आप देखिए 10,000 में से 450 पौधे सिर्फ चवड़ी के पास इन्फेक्टेड हुए। क्यों इन्फेक्टेड हुए, एफिस क्रासी हो रहा, चवड़ी के ऊपर का जो मावा है ये इसको ट्रांसमिट करने वाला वेक्टर है, और चवड़ी ये इसका होस्ट है, होस्ट भी मिला वेक्टर भी मिला तो डिजीज फैला। यहां आप देखिए, ये क्या आप देख रहे हैं, ये आप देखिए पूरे पौधे को, पूरे बनाना के प्लांट को, जो केना है, केनपट जिसको हम बोलते हैं, उसने कवर कर लिया है। ये सीएमवी का पौधा आप देखिए क्या है, बाजू में भिंडी है, भिंडी इसका सोर्स है, भिंडी इसका सोर्स है। करीबन यहां आप देखिए, ये क्या है, करेले के वेल है, बहुत सारे वीड्स है, चीला की सब्जी है, पूरा खेत चील की सब्जी से, चिवड़ की सब्जी से हरा हुआ है, ये इसका स्ट्रांग होस्ट है।
हमने आज से 6-7 साल पहले डॉक्टर सेल्वराजन साहब को इसके सैंपल भेजे थे और ये सारे वीड्स पॉजिटिव आए। यहां आप देखिए, ये मार्च 2019 की फोटोग्राफ्स है, जो बॉर्डर के ऊपर क्रिपर्स लगे हैं, वेल लगे हैं, उसके ऊपर मावा है, उसके ऊपर सीएम है। नीचे आप देखिए, राइट हैंड वाला आप देखिए, ये मार्च के 6 मार्च की ये फोटो है, 7 नंबर की फोटो 6 मार्च की है, जब हम रावेर में घूम रहे थे। ये सारे करेले के वेल है और ये करेले के जो वेल है ये पूरे की पूरी तरह से सीएम ग्रस्त है। हम मार्च में इसको संभाल रहे थे, हम अप्रैल में इसको संभाल रहे थे, हम इसको जून में, जुलाई में, अगस्त में संभाल रहे, और जब इसको वातावरण पोषक मिला, सीएम डिजीज का फैलाव तेजी से हुआ। ये आप देखिए किसान भाइयों, ये क्यों हम आपको बता रहे हैं, आप इसको किस नाम से जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जब इस वीड के पास से आप जाते हैं तो पूरे ऐसे एक लाइन में पूरे लग जाते हैं, बराबर। इसको आघाड़ा कहा जाता है। ये नीचे वाला आप देखिए, ये 9, 8 और 8 नंबर का ये आघाड़ा है, तो ये 9 नंबर आप देखिए, ये क्या है, जिसको कुर्डू कहा जाता है, जिसको कॉफकोम कहा जाता है, ये जो है इसका बहुत बड़ा होस्ट है। दूसरा होस्ट आप देखिए, ये नीचे बताया गया, ये चील की सब्जी है, चिवड़ की सब्जी है, ये मिर्ची है, तो ये तांदुला जिसको बोलते हैं, उसका ये वीड्स है जिसकी हम सब्जी करते हैं। ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका दूसरा होस्ट है, बराबर। और ये जो आप देखेंगे, इतने सारे वीड जो है ये इसके होस्ट है। इसके आगे आप चलेंगे, ये देखिए, बहुत सारे जो वीड्स होते हैं, बहुत सारे जो क्रॉप होते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कुकुम्बर मोजैक वायरस। कुकुम्बर मोजैक वायरस मतलब ये कुकुम्बर फैमिली का डिजीज है। ये काकड़ी आप देख रहे, दूधी आप देख रहे, चक्री आप देख रहे, मस्क वाटर मेलन आप देख रहे, मस्क मेलन जो आता है वो आप देख रहे। हम समर में इसकी खेती करते हैं और हम बारिश में केला लगाते हैं। समर में इसको हम संभाल के रखते हैं, बारिश में हम इसको खेत में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप देखिए, ये दूसरा आप देखिए, ये दूसरे सारे वेक्टर आप देखिए जो ऊपर गए हैं, ये दौड़ का आप देखिए, बराबर। तो ये जो घोड़ की सब्जी है इसको आप देखिए, घोड़ नाम का जो वीड्स है इसको आप देखिए, इसकी भी सब्जी की जाती है। हमारे विदर्भ में इसकी घोड़ की सब्जी बनाई जाती है, दाल सब्जी बनाई जाती है, तो ये भी जिसका स्ट्रांग होस्ट है। ये आप देखिए, आप कहीं भी जाइए, कोई भी एरिया में आप जाइए, तो आपके समझ में आएगा कि जहां जहां आप जाएंगे आपको तरोटा नजर आ रहा है। जहां जहां आप जाएंगे 21 नंबर का तरोटा है, तो 22 और 23 नंबर का दूधी है, बड़ी दूधी है, छोटी दूधी है। इसका पत्ता आप तोड़ेंगे तो मिल्क बाहर आता है, लैटेक्स, व्हाइट लैटेक्स बाहर आता है, ये इसका स्ट्रांग होस्ट है। और यदि ये आप देखिए, आगे आप चलिए, ये वाल है, इसको आप क्या बोलते, तिहाड़ी बोलते मुझे पता नहीं, लेकिन जब कुछ लग जाता है, कोई इंजुरी हो जाती है, तो हमारे किसान भाई इसके पत्ते तोड़ते हैं और उसका जूस उस इंजुरी के ऊपर डालते हैं तो वो अच्छा हो जाता है, बराबर। ये क्या है, पीज है, वाटाना जिसको हम बोलते हैं, ये इसका होस्ट है। ये सारा नीचे का आप देखिए, ये क्या है, क्या वो है, इसको हम बोंडारा कहते हैं, बराबर। ये मालवी सी फैमिली में आता है, ये इसका स्ट्रांग होस्ट है। ये पिटोनिया इसके स्ट्रांग होस्ट है, गवार इसका स्ट्रांग होस्ट है, तुड़स इसका स्ट्रांग होस्ट है, धतूरा इसका स्ट्रांग होस्ट है, सिसामम मतलब तिल इसका स्ट्रांग होस्ट है, ये मेज इसका स्ट्रांग होस्ट है। इतने सारे होस्ट को आपको संभाल समझना है। देखिए, जब होस्ट है, जब सालों साल उसको संभाल रहा है, तो हम यदि इस चीज को समझते हैं तो निश्चित रूप से हम सीएमए का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए ये सारे होस्ट आपने देखे, इसके लिए क्या करना है, हमने एक संकल्पना फ्लोट की एक हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले, कि ये जो सारे होस्ट है ये सारे बॉर्डर पे है, रोड के बाजू में है और खेत के अगल बगल में है, तो हम सीएमए का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं।
सीएमवी के मैनेजमेंट में, जैसे कि आपको बताया लास्ट ईयर दशनूर में बड़े पैमाने में सीएमवी था, इस ईयर दशनूर में कंपैरेटिवली सीएमवी कम है। क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर का जो अनुभव सीएमवी का था, किसान भाई अलर्ट हो गए, किसान भाइयों ने सीएमवी का कंट्रोल टाइम पे शुरू किया, उसका जो वेक्टर का कंट्रोल है, वीड्स का कंट्रोल है, टाइमली किया तो थोड़ा कम रहा। इसी प्रकार से पहली बात यह है कि इन्फेक्टेड पौधों को निकाल डाले। दूसरी बात यह है कि हर हफ्ते उसके 5 से 6 दिन के गैप से उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। हम आपको आगे बताएंगे कौन से इंसेक्टिसाइड मारना है, किस प्रमाण में मारने हैं, किस प्रमाण में उसका स्प्रे करना है। ये तीसरा चित्र आप देखिए, ये दापोरा के शिवार का फोटो है। हमारे योगेश्वर भाई है, नीरज भाई है, संजय भाई है, सब सारे मनोज है, आशुतोष है, सब लोग, सब किसान भाई इस डिजीज को खेत में जाके समझ रहे हैं। राइट वाला आप देखिए, पातोंडी गांव में बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे किसानों के यहाँ सीएम भी आया, उसका भी मैनेजमेंट उन्होंने समझ लिया है। ये आप देखिए, सीएम जैसे कि आपको बताया गया है, जब हम COVID-19 के प्रकोप से पूरा देश जा रहा है, COVID-19 कोरोना वायरस से हम सब लोग परेशान हैं, देश में कोरोना वायरस का हाहाकार है, और जिस प्रकार से इसको नेशनल कॉज, नेशनल इशू, और ये देश के लिए इम्पॉर्टेंट बीमारी है, इसका मैनेजमेंट, इसका नियोजन देश के पातड़ी पे उसी तरह से हो रहा है, वैसे ही सीएम भी। और ये आपको अभी बताया जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना है, प्रिकॉशन लेनी है, वो नहीं आए इसके लिए प्रिकॉशन लेनी है, नहीं बढ़े इसके लिए प्रिकॉशन लेनी है, इन्फेक्शन ना बढ़े, इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में ना आए, इसके लिए प्रिकॉशन लेनी है। उसी प्रकार से सीएमवी के लिए भी हमें प्रिकॉशन लेनी है। यह आप देखिए, एक आर्टिकल आप देख रहे हैं, इस आर्टिकल में हमारे जो किसान भाई है दापोरा के, योगेश्वर भाई, इनकी मुलाकात छपी है। क्या लिखा है? मेरा सीएमवी का अनुभव, मैं सीएमवी के साथ किस प्रकार से लास्ट 20 साल से केले की खेती कर रहा हूं। आपको गोविंद विठल पाटिल जी का और योगेश्वर विठल पाटिल जी का संक्षिप्त में आपको मैं एक अनुभव बताऊंगा। जब 2000 साल में इनके यहाँ 18,000 कंद के सकर्स के केले लगे थे, और हमारे एक मित्र है युवराज भाई टेमकर, हमको लेके गए उनके खेत में कि पाटिल साहब, हमारे मित्र के खेत में कुछ बीमारी आई है। ये बात होगी सितंबर अक्टूबर की। हम उनके खेत में पहुंचे, 18,000 सकर्स कंद लगाए थे, 18,000 कंद के ऊपर करीबन 60 से 70% सीएमवी का इन्फेक्शन था। हमने ये चीज योगेश्वर भाई को बताई, उनका जो 18,000 पौधे थे निकाल के फेंक दिए, और उसी साल से, नेक्स्ट ईयर से उन्होंने जॉइंट टिश्यू कल्चर पौधे लगाने शुरू किए। आप यहाँ देख सकते हैं कि 19 ईयर्स में हमने 1,06,000 पौधे निकाल के फेंक दिए, 19 साल में, 20 साल में, लास्ट ईयर और कुछ निकाले होंगे तो अभी 1,10,000 हुए होंगे। 20 साल में 2001 सालापासून 1,07,600 रोपे उपटून फेंकले, उनके पास रिकॉर्ड है। कहने का मतलब यह है, अभी भी 65,000 पौधे योगेश्वर भाई, गोविंद भाई लगाते हैं, उसमें हर साल करीबन 3 से 4 हजार पौधे निकाल के फेंकते हैं। इनका एक प्रोटोकॉल बना है कि हम पौधा लगाएंगे, पौधा लगाने के बाद में 6वें 7वें दिन में उसका स्प्रेइंग, उसके ऊपर कीटकनाशक का स्प्रे शुरू होगा, और 3 महीने तक 12 से 15 स्प्रे लिए जाएंगे, 15 स्प्रे लिए जाएंगे, ताकि पौधा जब 3 फीट के ऊंचाई के ऊपर चला गया तो सीएमवी को ज्यादा बड़ी नहीं गिरता है। इसीलिए किसान भाइयों, इस बात को हमें समझ लेना है। हमारे किसान भाई बोलते थे, मई का लॉट सर अच्छा था, जून का लॉट सर अच्छा था, उसमें सीएमवी कम आया है, इसमें सीएमवी ज्यादा आया है, जुलाई का
पौधा ठीक नहीं है, अगस्त का पौधा ठीक नहीं है, ऐसे हमारे किसान भाइयों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। किसान भाइयों, इस बात को आपको समझ लेना है, वही पौधा है, वही वायरस इंडेक्स पौधा है, जो मई में लगाया वही पौधा है, जून में लगाया वही पौधा है, जुलाई में वही गुणवत्ता है, अगस्त में वही गुणवत्ता है। फर्क इतना है कि जब आपने मई और जून में पौधा लगाया तो उस समय वातावरण में इंसेक्ट का पॉपुलेशन नहीं था। जब बारिश गिरती है तब कीड़े की प्रजनन शुरू हो जाता है, जब बारिश गिरती है, मौसम बदलता है, खरीफ मौसम की फसलें लगती है, मक्का लग जाती है, सोयाबीन लग जाता है, उड़ीद मूंग लग जाता है, कपास लग जाती है, इसके ऊपर इंसेक्ट का मल्टीप्लीकेशन शुरू होता है। और जब जुलाई का एंडिंग आता है, जुलाई 15 जुलाई आ जाता है, जून के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में बारिश आ गई, जुलाई के मिड से इंसेक्ट का पॉपुलेशन बहुत बड़े पैमाने में बढ़ जाता है। जब निसर्ग में इस वायरस को सीएमवी को फैलाने वाले इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ गया, तब उस समय आपने प्लांटेशन किया तो उस प्लांटेशन के ऊपर इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है, यदि हमने वेक्टर को कंट्रोल नहीं किया तो। और इसीलिए जुलाई अगस्त में जो प्लांटेशन हुआ उसके ऊपर ये प्रमाण ज्यादा है, और जून मई में जो लगा, क्योंकि जुलाई अगस्त का पौधा छोटा था और मई जून का पौधा बड़ा था, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ये जो एफिड्स है, ये जो थ्रिप्स है, ये जो तुड़तुड़े है पौधे के ऊपर, ज्यादा ये फ्लाई करके नहीं जा सकते। और इसीलिए आपने चिला की भाजी को ऐसे पैर लगाया, उससे जो इंसेक्ट उठता है ये तुरंत जाके दूसरी जगह 1-6 इंच 9 इंच 1 फीट के बाद में तुरंत नीचे बैठता है। तो इस प्रकार से इसकी मोमेंट होती है। ये जो एफिड होता है, एफिड्स गॉसिपी आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि इसकी जो प्रजनन क्षमता है ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, और इसीलिए एफिड्स का प्रमाण वातावरण में बढ़ता है, और इसका जब प्रमाण बढ़ता है तब डिसीज फैलता है। तो हमें क्या करना है, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, पौधों को निकाल के फेंकना है। पौधे जो इन्फेक्टेड पौधे है, हमारे बहुत सारे किसान भाई इसको निकाल के नहीं फेंकते हैं, लेकिन पौधा संभालने से हम डिजीज को संभाल रहे, ये ध्यान में रखना है। तीसरा मैनेजमेंट हमें क्या करना है, इंसेक्ट को कंट्रोल करना। ये आप देखिए एकदम क्लीन आपको फील्ड लग रहा है, फिर भी इंसेक्ट का पॉपुलेशन आप देखिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और इसीलिए इंसेक्ट को हमें, वेक्टर को हमें कंट्रोल करना है। जब वेक्टर को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि डिजीज का कंट्रोल हुआ है, डिसीज का फैलाव बचा है। इसीलिए दो बातें किसान भाइयों आपको ध्यान में लेना है। पहली बात, हमको ये कंसेप्ट पूरे गांव के पातड़ी के ऊपर, विलेज के पातड़ी के ऊपर हम एक कंसेप्ट को फॉलो कर सकेंगे। वो कंसेप्ट ये है, तन मुक्त शिवार, खरपतवार मुक्त शिवार। मतलब हमारे खेत में कोई तन ना हो, हमारे खेत में कोई खरपतवार ना हो, हमारे बाउंड्री के ऊपर खरपतवार ना हो, हमारे रास्ते के बाजू में खरपतवार ना हो, छोटी जगह को खुली जगह पड़ी है वहां कोई वीड्स ना हो, नाला जा रहा है वहां कोई वीड्स ना हो। इसीलिए मैं आपसे विनंती करूंगा कि यदि सीएमवी डिजीज को सालों साल कंट्रोल में लाना है तो हमें गांव के बेसिस पे सभी किसान भाइयों को एक साल मिल के, एक साथ जुल के, हमें बॉर्डर के ऊपर, रास्ते के दोनों साइड के ऊपर, खुली जगह के ऊपर वीडिसाइड का स्प्रे करना है। पैराकाट हो या ग्लाइफोसेट हो, ये जो वीडिसाइड है इसका स्प्रे हमें खुली जगह पे करना है, बॉर्डर पे करना है, रास्ते के दोनों बाजू पे करना है, नाले के दोनों बाजू में करना है, ताकि जो मैंने 35 वीड्स आपको बताए इसको आप मारेंगे, इंसेक्ट को बैठने के लिए जगह नहीं होगी, इंसेक्ट के मल्टीप्लीकेशन के लिए जगह नहीं होगी, और जब हम वीड्स को मारेंगे, होस्ट को मारेंगे, तो हम डिजीज को कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए तन मुक्त शिवार मतलब खरपतवार मुक्त शिवार, वीड्स मुक्त शिवार की संकल्पना को हमें अडॉप्ट करना है। दूसरी बात हमें क्या अडॉप्ट करनी है, तीसरी और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि 1942-43 में ब्रिटिश सरकार ने एक नियम किया था कि हम दो साल
केले की खेती को ना करें। लेकिन आज के तारीख में हम केले की खेती ना करें इस प्रकार का तो काम हम कर ही नहीं सकते। हमारा किसान भाई केले की खेती को नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए यदि वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम और एक चीज आप कर सकते हैं, आप जून के 30 तारीख तक लगे उतना प्लांटेशन कर लीजिए, उसके बाद में आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, आप सितंबर में प्लांटेशन कीजिए। अगस्त जुलाई अगस्त में यदि हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन के ऊपर प्रिकॉशन लेना हमारी जरूरत है। फिर हम किस प्रकार की प्रिकॉशन लेंगे हमें इस चीज को समझना है। ये आप केमिकल कंट्रोल आप देख लीजिए, पहले आपने सीएमवी के होस्ट को नष्ट किया, पहले आपने क्लीन कल्टीवेशन लिया, पहले आपने तन मुक्त शिवार के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया, उसके बाद में आपको इंसेक्ट कंट्रोल के लिए केमिकल कंट्रोल आपको करना है, इंसेक्ट को किल करना है, वेक्टर को किल करना है। वेक्टर को किल करने के लिए क्या करना है और एक चीज आपको ध्यान में लेना है। मान के चलिए कि हमारे यहाँ पातोंडी में, पिंपरी नांदू में, या दापोरा में, या इधर रावेर में, चिनावल हो, कुंभारखेड़ा हो, दशनूर हो, वागोदा हो, इन विलेजेस में यदि हम हमारे चार किसान भाइयों के खेत एक को एक लगे हैं, और यदि हमारा एक किसान भाई स्प्रेइंग करता है और बाजू वाला किसान भाई स्प्रे नहीं करते हैं तो क्या होगा, इंसेक्ट यहां से उठेंगे, उधर बिना इंसेक्ट वाला, बिना इंसेक्टिसाइड वाला, बिना स्प्रेइंग वाला खेत मिलेगा, वहां जाके बैठेंगे। जब आपके यहां आपने स्प्रेइंग कर दिया, स्प्रेइंग करके 5-6 दिन हो गए, इंसेक्टिसाइड का जो इफेक्ट है कम हो गया, इंसेक्ट वहां से आएंगे, दोबारा आपके खेत में बैठेंगे। इसलिए क्या करना है, एक शिवार एक स्प्रे, मतलब एक ही दिन में, मान के चलिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे 3 क्षेत्र हमारे गांव के हैं, जितने किसान भाइयों के खेत ये पूर्व दिशा में है, सारे किसान भाई एक ही दिन में बनाना के ऊपर, कॉटन के ऊपर, मेज के ऊपर, मूंग चवड़ी के ऊपर, और जो घास वहां है उस घास के ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ले, बराबर। दूसरे दिन दक्षिण क्षेत्र जो है वो किसान स्प्रे करे, तीसरे दिन उत्तर क्षेत्र के किसान स्प्रे करे, चौथे दिन पश्चिम क्षेत्र के किसान स्प्रे करे। एक शिवार एक फवारनी का दिन, एक शिवार एक स्प्रेइंग, इस प्रकार के कंसेप्ट को यदि आप इंप्लीमेंट करते हो तो उस शिवार के जो इंसेक्ट है वो सारे इंसेक्ट को एट ए टाइम आप मार सकते हैं और सीएमवी के फैलाव को रोक सकते हैं। और इसीलिए आपको क्या उसमें स्प्रे करना है, बहुत सारे सिंपल से केमिकल मॉलिक्यूल उपलब्ध है। आप यहां पे देखिए, आप एसिटामाप्रीट से शुरुआत कर सकते हैं, आप इमिडा से शुरुआत कर सकते हैं, थायमिथाक्साम से आप शुरुआत कर सकते हैं। एसिटामाप्रीट लेना है तो 6 ग्राम 15 लीटर पानी में, एसिफेट पाउडर 15 लीटर पानी में, और स्टिकर या निम्बोडी का ऑयल 30 ml 15 लीटर पानी में, स्टिकर लिया तो 15 ml 15 लीटर पानी में, ये एक स्प्रे शुरू में आपको करना है। दूसरा स्प्रे इमिडा का लेना है, 8 ml 15 ml एफिसेट, एसिफेट 30 ml निमार का आपको लेना है। उससे आगे आप जाओगे थायमिथोक्साम 5 ग्राम उसमें आपको लेना है। चौथा स्प्रे है, पांचवा चौथा स्प्रे है प्रोफेनोफॉस, आप 20 ml 15 लीटर पानी में ले सकते। बाद में पांचवा फ्लू बेंडामाइड नाम का जो केमिकल है यह आप यूज कर सकते, 5 ml 15 लीटर पानी में, एसिफेट पाउडर 15 ग्राम और नीम आर्क 30 मिली 15 लीटर पानी में। उसके बाद में फेप्रोनील है, ये आप 20 ml 15 लीटर पानी में ले सकते, उसके साथ दोनों घटक ले सकते। और फ्लोनिकामिड है, ये आप 8 ग्राम 15 लीटर पानी में, 15 ग्राम एसिफेट 15 लीटर पानी में और 30 ml नीम ऑयल 15 लीटर पानी में। इस प्रकार से हर पांचवे छठवे दिन में, जुलाई और अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, जब आप केमिकल कंट्रोल, डिजीज को फैलाने वाले इंसेक्ट यानी के वेक्टर को आप किल करते हैं तो सीएमवी डिजीज के फैलाव को आप रोक सकते हैं।
हमारे सदा भाई है तांदलवाड़ी के, जिनको मैंने कल फोन करके पूछा कि भाई साहब आपके खेत में कितना सीएमवी है, सिर्फ 450 पौधे है। हमारे एक किसान भाई है हमारे स्वप्निल जी चौधरी, उनके खेत पे गए और उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोले सर मेरे आप स्प्रेइंग चल रहे हैं। 8000 पौधों का प्लांटेशन है, 730 पौधे इन्फेक्टेड है। और वही स्वप्निल भाई आगे वाले किसान के खेत में गए, उनके बगल में ही दूसरे किसान हैं जिन्होंने स्प्रे नहीं किया है, वेक्टर को कंट्रोल नहीं किया है, इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं किया है, उस किसान भाई के खेत में करीबन 60-70% सीएमवी है। तो किसान भाइयों इस चीज को हमें समझ लेना है कि हम सीएमवी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। आपके मन में जो शंका है, आपके मन में जो एक डाउट आपके मन में है, वो डाउट आपके मन में यह है कि क्या हमारे पौधों में ही सीएमवी आया। किसान भाइयों जैन के पौधों के बारे में आपके मन से इस डाउट को निकाल दीजिए। जैन इरिगेशन सीएमवी के लिए, बंची टॉप के लिए, बनाना ब्रैक्ट मोजाइक के लिए 100% वायरस इंडेक्सिंग करने वाली देश की एकमात्र ये संस्था है। दूसरी बात आपको ध्यान में लेना है, आपके जानकारी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए हम तो सारे राज्य में पौधे भेजते हैं, तो ये डिजीज ये सीएम भी फिर गुजरात में क्यों नहीं है। हमारे बगल में नंदुरबार है, नंदुरबार में 45 लाख पौधे हमने लगाए हैं, क्यों नंदुरबार में सीएम भी नहीं। हमारे यहां बगल में हिंगोना गांव है, चितोड़ा गांव है, वडरी गांव है, सातोद गांव है, यावल तालुका में, क्यों सीएम भी नहीं है। हमारे तांदलवाड़ी में 2-4 बगीचे में इस साल सीएम भी आया, लेकिन कल मैं तांदलवाड़ी के रास्ते से गुजरा, कई सारे बगीचे है 100% सीएम भी फ्री है। हम एक हमारे किसान भाई बोदवड़ में है जिनके बगीचे में सीएम भी नहीं है, क्यों नहीं है। किसान भाइयों इस चीज को आप समझ लीजिए कि जो जो एरिया सीएम भी पॉल्यूटेड है, जिस जिस एरिया में बहुत सारे होस्ट है, जिस जिस एरिया में इंसेक्ट है, और जो जो एरिया सीएम भी से पॉल्यूटेड हुआ है, वहां के सारे होस्ट भी सीएम भी ग्रस्त है, उसी क्षेत्र में सीएम भी का प्रकोप बढ़ता है। हमारे बड़वानी के कुछ किसान भाई हमें मिलने आए थे, हमने उनको पूछा कि कितने प्रमाण आपके यहां सीएमवी का है, कोई नहीं है, क्यों नहीं है। हमारे एक किसान भाई है, उनको हमने पूछा, मधु भाई को, 4-6 पौधे उनके खेत में निकले हैं। तो किसान भाइयों इस प्रकार की जो भी अफवाहें हैं, इस प्रकार का जो आप मिसगाइड होते हैं, कृपया उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप हमारे फसल को ध्यान में लीजिए, इंसेक्ट को आप समझ लीजिए, वेक्टर को समझ लीजिए, होस्ट को समझ लीजिए, डिजीज के फैलाव के तरीकों को आप समझिए। 1000 सैपलिंग को जब आप स्प्रे इनिशियली करते हैं तो 1-1.5 पंप लगता है। 1000 पौधे को 1 महीने के बाद में जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो सिर्फ 2 पंप लग रहे हैं। 1.5 महीने के बाद में आप स्प्रे कर रहे हैं, सिर्फ 2 पंप लग रहे हैं। 2 महीने के बाद में आप स्प्रे कर रहे तो 2.5-3 पंप आपको लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग का जो खर्चा है ये बहुत कम है, ये पौधा खराब होने से उसकी जो कीमत है बहुत कम है। यदि 1000 पौधे स्प्रे करने के लिए 2 पंप लगते होंगे, और यदि थायमेथैक्सोम या प्रोपेनोफॉस या फ्लूबेंडामाइड आप 5 ml फ्लूबेंडामाइड उसमें डाल रहे, प्रोफेनोफास आप 20 ml डाल रहे हैं, इसकी कीमत को आप जोड़िए। आप प्रोफेनोफास डाल रहे हैं तो 20 और 20 1000 पौधों के लिए 40 ml हो गया। आप फ्लूबेंडामाइड डाल रहे हैं 1000 पौधों के लिए, एक स्प्रे के लिए सिर्फ 10 ml हुआ। आप फिप्रोनिल डाल रहे हैं 40 ml हुआ। फ्लोनिकामिड डाल रहे हैं 2 पंप के लिए सिर्फ 16 ग्राम हुआ। इस 16 ग्राम की आप कीमत लगाइए, एसिफेट पाउडर की कीमत लगाइए, नीम ऑयल की कीमत लगाइए, और आप जो स्टिकर है उसकी कीमत लगाइए, तो एक स्प्रे 1000 पौधे के लिए उसकी जो खर्चा है आपके समझ में आएगा। और इसी प्रकार से यदि आप
होस्ट डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करते हैं। हर साल यदि बीमारी आती है तो हर साल हमें इसको समझ लेना है कि इस महीने में बीमारी फैलती है, उस महीने में बीमारी दिखने से पहले हम स्प्रेइंग को शुरू करें। बीमारी दिखने से पहले हम स्प्रे शुरू करें, जैसे भी इंसेक्ट का अटैक दिखना शुरू होता है तो स्प्रेइंग के शेड्यूल को पांचवें छठवें दिन पे लाइए, क्लीन कल्टीवेशन कीजिए, वीड बढ़ते हैं, चील की सब्जी बढ़ती है, मल्चिंग डालिए, बाजू में बाहर के बाजू वाले खेत में कॉटन है, मक्का है, बाजू में नेट लगाइए ताकि हम इंसेक्ट के माइग्रेशन को रोक सके। इंसेक्ट बाजू में लगा दीजिए, इंसेक्ट नेट लगाइए ताकि इंसेक्ट आपके खेत में कम आएंगे। इस प्रकार से एकात्मिक डिजीज मैनेजमेंट को हमको समझना होगा। एकात्मिक डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सीएमवी डिजीज मैनेजमेंट की संकल्पना को यदि हम करते हैं, ध्यान में लेते हैं, क्लीन कल्टीवेशन, तनमुक्त शिवार, वीट्स मुक्त शिवार और एक शिवार एक फवारनी, इस संकल्पना को हम ध्यान में लेते हैं, अर्ली डिटेक्शन करते हैं, इन्फेक्टेड पौधों का इरेडिकेशन करते हैं और खरपतवार को नष्ट करते हैं, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से, एकदम डेडिकेशन के साथ में पांचवें छठवें दिन को यदि हम फवारनी करते हैं, पुराने गार्डन के पौधे जो है उसको निकाल डालते हैं, डिजीज के सोर्स को खत्म करते हैं, तो सीएमवी डिजीज को आने वाले दो साल के अंदर आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये विश्वास हमारे मन में है। और इसी प्रकार से ये जो साल है, इस साल में अभी जो बहुत सारे किसान भाई जिन्होंने अपने पौधे निकाल डाले हैं, जिन्होंने पौधे उखाड़ के फेंक दिए हैं, उन किसान भाई अभी 15 से 20 दिन का गैप दे, थोड़ा सा वातावरण क्लियर हो जाए, जहां ड्रिजलिंग रेन है, जहां बारिश कम आ रही है, धो धो बारिश नहीं गिर रही है, सूर्य प्रकाश नहीं है, क्लाउडी वेदर है, ये डिजीज को फैलाने का पोषक वातावरण है। जब बारिश जोर से गिरती है तो बीमारियां बढ़, जो इंसेक्ट होते हैं ये बाढ़ में बह जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, पानी के बूंद से मरते हैं और डिजीज का प्रकोप कम होता है। लेकिन जब क्लाउडी वेदर है, डेली थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग बारिश है, खेत में कीचड़ है, वीष बढ़ रहे हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए मौका मिल नहीं रहा है, किसान भाई खेत में जा नहीं पा रहे हैं, ऐसा जब वातावरण होता है, इस वातावरण में सीएमवी वायरस तेजी से फैलता है। और यदि इसको हमें पूरी तरह से रोकना है तो जो मैनेजमेंट आपको करना है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट से जाना है। और जिन किसान भाइयों ने पौधे निकाल के फेंक दिए हैं, वो किसान भाई अभी 15 से 20 दिन रुक जाए और उसके बाद में दोबारा प्लांटेशन करे, ताकि आने वाले अक्टूबर के महीने से, सितंबर के एंडिंग से डिजीज कंट्रोल में आएगा, क्योंकि बारिश कम हो जाएगी, वातावरण खुला होगा, नेचर में स्प्रेइंग हमारे कॉटन के ऊपर, मक्के के ऊपर मक्का निकल जाएगा और बनाना के ऊपर स्प्रे आप अच्छी तरह से ले पाओगे और डिजीज को कंट्रोल में ला सकोगे। इस प्रकार से इस देश का, इस बनाना क्षेत्र का, इस सीएमवी वायरस का जो इतिहास है, ये इतिहास 77 ईयर्स का ये इतिहास है। 77 ईयर से हमारे क्षेत्र में ये बीमारी है, ये डिजीज है। इसका नया नाम आपको हम लोगों ने सिखाया है और इसीलिए आपको ऐसे लगता है कि बीमारी अभी आई है। इसीलिए किसान भाइयों, आपको हमारी विनंती है कि इसको समझिए और इसका व्यवस्थापन कीजिए और आने वाले सालों में सीएमवी का उच्चाटन करने का, सीएमवी का नाश करने का पन लेके यदि हम सब किसान भाई एक साथ जुड़ के साइंटिफिक तरीके से काम कर सकते हैं, तो इस बीमारी के ऊपर हमें कंट्रोल पाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ये इस प्रकार का निवेदन मैं आप सब किसान भाई को करता हूँ। आप सब लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं, इस वेबिनार पे ये प्रेजेंटेशन हमेशा के लिए जैन के फेसबुक के पेज के ऊपर अवेलेबल है, ये प्रेजेंटेशन हम यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, यूट्यूब में भी आपको ये अवेलेबल है। कृपया
आप इसको ध्यान से पूरा एक घंटा पढ़िए और सुनिए और इस हिसाब से आप मैनेजमेंट कीजिए, ये आपसे विनंती करता हूँ। और आप इसमें भाग लिए इसलिए आप सभी किसान भाइयों को, केला उत्पादक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।